तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको झारखंड के एक ऐसे जिले के सफर में लेके जा रहा हूँ जिसे झारखंड के हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ झारखंड के सबसे ऊंचे वाटरफॉल मौजूद है, जहाँ झारखंड की रानी के नाम से मशहूर नेतरहाट मौजूद है। तो अभी तक आप लोग जान ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको झारखंड के लातेहार जिले के सफर में लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लातेहार प्राकृतिक सौंदर्यों से परिपूर्ण झारखंड के 24 जिलों में से एक जिला है जिसका निर्माण 4 अप्रैल 2001 में हुआ था। लातेहार झारखंड के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ के अलावा रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू और चतरा जिले से अपना बॉर्डर शेयर करती है। वहीं यह जिला नेचुरल रिसोर्सेज से परिपूर्ण है। यहाँ के लोग मुख्यतः खेती पर आधारित है। अधिकतर लोग खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कृषि में मुख्यतः यहाँ पर चावल, बाजरा, मक्का और बहुत से फलों की खेती की जाती है। प्रकृति ने इस जिले को अपने ही अंदाज में सजाया है। लोग कृषि के साथ साथ जंगलों से उत्पादित चीजों का उपयोग करके नई नई चीजें बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अपने जीवन यापन करते हैं। यहाँ के लोग अपने कृषि के उत्पाद को बढ़ाने के लिए भगवान से मनोकामना के रूप में कर्मा पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कर्मा पर्व जो कि एक आदिवासी पर्व है, ये 7 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है। कर्मा पर्व झारखंड में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। वहीं लातेहार कोयले और बॉक्साइट के खानों के लिए भी जाना जाता है। सीसीएल का मगध अमरपाली कोल माइंस झारखंड के लार्जेस्ट कोल माइंस में से एक है और वहीं सीसीएल के बहुत सारे ऑपरेशनल कोल माइंस अभी भी लातेहार में मौजूद है। वहीं हिंडालका इंडस्ट्री का यहाँ पर बॉक्साइट का माइंस मौजूद है। तो दोस्तों जान लेते हैं अब लातेहार जिले के कुछ फैक्ट के बारे में। लातेहार जिला 3,659 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं लातेहार जिले की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार 7,26,978 है और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 लोग निवास करते हैं। लातेहार मुख्यतः ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन का 45.54% एसटी कैटेगरी के लोग निवास करते हैं। वहीं क्या आपको पता है यहाँ पर 66% से भी ज्यादा पॉपुलेशन एससी और एसटी कैटेगरी के आते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लातेहार की जनसंख्या में से 65.07% हिंदू, 18.37% सरना, 9.6% इस्लाम, 6.55% क्रिश्चियन और 0.41% अन्य जाति के लोग निवास करते हैं। वहीं लातेहार जिले में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 964 है, जो कि झारखंड के बहुत से जिलों में से काफी अच्छा है। अब जान लेते हैं लातेहार जिले की लिटरेसी रेट और यहाँ के कुछ प्रमुख स्कूल्स एंड कॉलेजों के बारे में। लातेहार जिले की लिटरेसी रेट 61% है। वहीं लातेहार का नाम सुनते ही आपके मन में नेतरहाट रेसिडेंटल स्कूल का याद तो जरूर आया होगा, जो कि झारखंड के वन ऑफ द बेस्ट रेसिडेंटल स्कूल में से एक है। तो जान लेते हैं लातेहार के प्रमुख स्कूलों के बारे में। यहाँ के प्रमुख स्कूलों और कॉलेजों में नाम आता है नेतरहाट रेसिडेंटल स्कूल, सेंट जोसेफ प्लस टू स्कूल, लातेहार पब्लिक स्कूल और लातेहार कॉलेज। तो दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब जान लेते हैं लातेहार के कुछ प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में। लातेहार जिले में सबसे पसंदीदा जगह नेतरहाट है, जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है या इसे हिल स्टेशन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। नेतरहाट राज्य की राजधानी से 165 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। वहीं यहाँ पर झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल लोध वाटरफॉल मौजूद है, जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। नेतरहाट का कोयल व्यू पॉइंट और नेतरहाट का सनराइज देखने के लिए झारखंड के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। वहीं नेतरहाट को झारखंड का हिल स्टेशन भी कहा जाता है। झारखंड के सबसे ठंडे प्लेस में नेतरहाट का नाम जरूर आता है। यहाँ पे लोग गर्मी के दिनों में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। इसके अलावा आप अपर घाघरी फॉल, नेतरहाट सनराइज पॉइंट, नेतरहाट रेसिडेंटल स्कूल, बेतला नेशनल पार्क, पलामू फोर्ट, उग्रतारा टेम्पल, कांति वाटरफॉल तथा ऐसे बहुत से यहाँ पे वाटरफॉल मौजूद है जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। वहीं बेतला नेशनल पार्क नेतरहाट से 64 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व में तब्दील हो गया है। वहीं लातेहार में रांची के बाद दूसरा सबसे ज्यादा वाटरफॉल मौजूद है, जो आपको टूरिज्म का एक अलग ही आनंद प्रदान करेगा। तो दोस्तों लातेहार की इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।